हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ लिक्विड्स के बारे में। आज मैं बताऊंगी आपको कि एनर्जी और लिक्विड्स कितने टाइप की होती है, यानी लिक्विड की एनर्जी कितने टाइप की होती है और कौन सी एनर्जी कैसी होती है, मतलब सब डिस्कस करेंगे। तो जनरली एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब समझ ही रहे हैं, एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए जो जो एबिलिटी होती है उसको ही हम एनर्जी कहते हैं। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी: स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेस एनर्जी। ओके, तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। बहुत ही आराम से बताऊंगी, बहुत आराम से समझिएगा। तो सबसे पहले स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी को हम स्टैटिक एनर्जी के अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, एलिवेशन एनर्जी भी कहते हैं और डेटम एनर्जी भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, स्टैटिक एनर्जी होती क्या है। तो इट इज़ द एनर्जी पोस्ट बाय लिक्विड बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन। ध्यान से समझिए कि ये ऐसी एनर्जी है जो अपने स्थान यानी पोजीशन के गुण के कारण बताई जाती है। यानी स्टैटिक एनर्जी जो होती है वो अपने पोजीशन यानी अपनी स्थिति के गुण के कारण होती है स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम करते हैं। तो कंसिडर करिए, ये एक टैंक है, मैंने यहाँ पे इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो वाटर का जो वेट है हम अभी W मान लेते हैं। ठीक है, वाटर का जो हमारा वेट है वो उसको हम W न्यूटन मान लेते हैं। ओके, न्यूटन में लेंगे। ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, और ये हाइट है, मतलब डेटम लाइन से वाटर की जितनी हाइट है उसको हम जेड मान लेते हैं। तो अब स्टैटिक एनर्जी होती क्या है? तो स्टैटिक एनर्जी जो लिक्विड होती है, अब W यहाँ पे वाटर का वो है, वेट है, हमने लिक्विड का वेट रखा है, आप वाटर भी मान सकते हैं, और इसकी हाइट रखी है। तो जब हमें स्टैटिक एनर्जी जाननी होगी तो हम क्या करेंगे कि W इंटू जेड कर देंगे। ओके, तो ये स्टैटिक एनर्जी। अब मान लीजिए कि मैं वाटर को 1 न्यूटन मान लेती हूँ। मान लीजिए जो वाटर हमारा W हमारा वाटर का ही वेट है यानी लिक्विड का वेट है, इसको मैं 1 न्यूटन मान लेती हूँ। तो जब इसको मैं 1 न्यूटन मान लूंगी तो जेड इंटू मैं 1 कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ जेड हो जाएगा। तो स्टैटिक एनर्जी और स्टैटिक, इसको हम स्टैटिक हेड भी कहते हैं। तो यानी हमारी स्टैटिक एनर्जी और स्टैटिक हेड क्या होता है, जेड होता है, किसी भी 1 न्यूटन लिक्विड के लिए। ओके, 1 न्यूटन लिक्विड की जो स्टैटिक एनर्जी होती है वो जेड होती है। ओके, तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इट इज़ द एनर्जी पोस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्चू ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी। स्टैटिक एनर्जी में आपने देखा कि स्टैटिक एनर्जी अपनी स्थिति के गुण के कारण होती है, तो ये वैसी एनर्जी होती है मोशन और वेलोसिटी। क्या लिखा है, क्या मैं बोल रही हूँ कि इट इज़ द एनर्जी पोस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्चू ऑफ मोशन और वेलोसिटी, यानी ये ऐसी एनर्जी है जो लिक्विड के मोशन और वेलोसिटी, लिक्विड के मोशन और वेलोसिटी के गुण से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने सब कुछ देखा था, W वेट आपने देख लिया था। अब मैं मानती हूँ कि जो मास है इसका, मास आप जानते हैं, उसको मैं यम मान लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, W आप वर्क अपना ले ही रहे हैं, और इसकी मैं वेलोसिटी को अब मैं V मान लेती हूँ, लिक्विड की वेलोसिटी को मैं V मान लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ नया ऐड किया, M मोशन और वेलोसिटी V। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हम इतना मान लिया, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड हम क्या मान लेते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, तो 1/2 मैंने हाफ लिया है, एम वी स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, एम मैंने मास लिया है, वी वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर कर देंगे काइनेटिक एनर्जी। अब आगे चलता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एम होता है वो W बाई जी भी होता है। किसी भी जो हमारा किसी भी चीज़ का हम अगर मास लेते हैं तो उसको W बाई जी कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारा W क्या है, यहाँ पे W जो हमारा है वो वेट है, और जो G हमारा है वो हमारी ग्रेविटी है, और V आप समझ ही रहे हैं कि V हमारी वेलोसिटी है। ओके, तो अब यहाँ पे WH ले लेते हैं, वॉट इज़ WH। ठीक है, तो WH अब क्या मान लेती हूँ कि मैं स्टैटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड हमारी WH मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टैटिक एनर्जी लिक्विड की अपनी WH न्यूटन मीटर मान लेते हैं। बिकॉज कि जब हम V वेलोसिटी फ्रिक्शन लेस लॉस, अगर हम इसमें जो फ्रिक्शन लेस लॉस हो रहा है उसको हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी सारी काइनेटिक स्टैटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टैटिक एनर्जी आप जानते हैं जेड होती है, तो यहाँ पे हम WH ले लेते हैं, तो ये हमारी हो गई। तो WH इक्वल्स टू 1/2, ये वही वाला मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि आप इसको समझ ही रहे हैं, अब हमारा WH आप समझ रहे हैं कि क्या है, H हमारा ये W से W हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके,
एच इक्वल्स हमारा वी स्क्वायर बाई जी रह जाएगा, वी स्क्वायर ये है, नीचे में टू जी बचेगा, वन का मल्टीप्लाई कर दूंगी कोई नहीं हो जाएगा। तो ये एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी जो होता है ये हमारे किसी भी वन न्यूटन लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी होती है, वन न्यूटन। अब ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब मैं प्रेशर एनर्जी की बात करती हूँ। प्रेशर एनर्जी क्या होती है? तो प्रेशर एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे लिक्विड के प्रेशर के गुण के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे आप कंसिडर करिए, मैंने एक आपको एक यहाँ पे पिस्टन वो दिखा दिया, इंजन का स्ट्रक्चर दिखा दिया। ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा वेट लग रहा है, ये मैंने लिक्विड माना है। तो यहाँ पे ए जो है ये मैंने एरिया मान लिया है पिस्टन का, एच हमारी हाइट है, ओके, और उसके बाद डब्लू हमारा वेट है, ठीक है। तो अब अगर हमारा वेट और प्रेशर, लिक्विड का वेट और प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले रहा है तो W इक्वल्स टू ए इंटू पी हो जाएगा। अगर हमारा वेट और प्रेशर जो है लिक्विड का अगर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तब तो W इक्वल टू ए इंटू पी हो जाएगा। A यहाँ पे एरिया है पिस्टन का और P हमारा प्रेशर है लिक्विड का, लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब हम मान लेते हैं कि प्रेशर हमारा H, जो पिस्टन है हमारा वो H ऊपर जा रहा है, H हाइट ऊपर जा रहा है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे W इंटू H कर ले रहे हैं, W हमारा वेट है और H इट की हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की क्या होता है। तो हमारा जो पिस्टन है वो लिक्विड को डाउनवर्ड में दबाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पिस्टन हमारा लिक्विड को डाउनवर्ड में दबाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड होगा वो प्रेशर एनर्जी के रूप में, हमारा ये जो जब पिस्टन हमारा इसको नीचे दबाएगा लिक्विड को, तो ये हमारा प्रेशर एनर्जी के रूप में हमारा स्टोर हो जाएगा। तो हमारा वहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, रो जी ए एस। यहाँ पे रो डेंसिटी है लिक्विड की, जी ग्रेविटी आप जान रहे हैं, मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था काफ़ी ब्रीफ में। ए एरिया है और एच हमारा हाइट है, जो हाइट पिस्टन मूव कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, पिस्टन इतनी दूरी मूव करेगा ना, इसके लिए आपको इंजन की वीडियो देखनी पड़ेगी, टी डी सी और बी डी सी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना हो गया, रो जी ए एच, यहाँ पर डेंसिटी रो है, ग्रेविटी ए है, ए सॉरी ग्रेविटी जी है, एरिया ए है एंड एच हमारी हाइट हो जा रही है ये पिस्टन की, ओके। तो अब हमारी प्रेशर एनर्जी जो यूनिट वेट के द्वारा पोस्ट की जाएगी वो डब्ल्यू एच बाई, यहाँ पे मैं डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू इंटू एच हमारा डब्ल्यू एच हो जाएगा, डब्ल्यू एच बाई रो जी ए एच कर लूँगी, ठीक है। अब हमने पीछे देखा कि हमारी जो W की वैल्यू है वो AP है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसा है, तो यहाँ पे मैंने W की वैल्यू पुट कर दी, AP इंटू H हमारा हो गया और बाय में रो जी ए एच। अब यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होगा, AH हमारा AH से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो P बाई रो जी बच जाएगी, तो जो ये हमारी हो गई प्रेशर एनर्जी, यानी कि वन न्यूटन लिक्विड की जो प्रेशर एनर्जी होती है वो होती है पी बाई रो जी। पी यहाँ पे प्रेशर है, ये डेंसिटी है लिक्विड की और जी ग्रेविटी है, ओके। तो समझ में आया आपको मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आई थिंक सो हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।